गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग गौरव जी। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर। जी इवनिंग अंजनी जी। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की, और समय रहा तो हम लोग बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज की। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ने से पहले एक बेसिक चीज समझनी जरूरी है। हम लोगों ने कल देखा था और एक बात हमारे सामने क्लियर होके आई कि हमारे सामने इकोनॉमिक्स में आती हैं प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारा काम होता है इकोनॉमिक्स का, है ना। ये बात किसने कही थी? ये बात रॉबिन्स ने कही, और बाद में जो आगे के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उसकी बात से सहमति जताते हुए काम कहा। और ये प्रॉब्लम किसकी थी? ये प्रॉब्लम थी चयन की, यानी कि चॉइस मेकिंग की। और क्या आप में से कोई बता सर सकता है कि ये चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? साधनों की सीमित संसाधनों उपलब्धता, की हाँ कमी थी, साधनों की कमी थी, यानी कि जो रिसोर्सेज थे वो स्केयर्स थे। सीमित स्केयर्स, हाँ बिल्कुल सही, स्केयर्स यानी कि सीमित या दुर्लभ थे। लेकिन केवल यही होता तो चल जाता काम, कोड में खाज ये हो गया कि ये इनका वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता था, है ना। इनका यस वैकल्पिक सर। प्रयोग हो सकता था, यानी कि इनके मल्टीपल यूजेस पॉसिबल थे। अब इन रिसोर्सेस की स्केरसिटी की वजह से इकोनॉमिक्स में समय समय पर समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती रहती हैं। हम लोगों ने कल एक चीज और देखी थी कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक वर्ल्ड में केवल दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे वो लोग जो कंज्यूम कंज्यूम करते कर हैं। ठीक, जो प्रोड्यूस करता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, यानी कि उत्पादक, और जो कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर बोलते हैं, यानी कि उपभोक्ता। और यही दो जो हैं, ये दो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। यही है दो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोड्यूस करना और कंज्यूम करना। ठीक, अब इस स्केयरसिटी की वजह से मैंने कहा था समस्या उत्पन्न होती है, समस्या यानी कि प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। और ये जो प्रॉब्लम है इनको एक टर्म दिया गया है इकोनॉमिक्स में, जिनको आगे बढ़ने से पहले समझना जरूरी है, और वो कहलाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं, केंद्रीय समस्याएं, मुख्य समस्या बेसिकली यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पर एक इकोनॉमी को, अगर अर्थव्यवस्था को ओवरऑल देखा जाए, तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहली चीज होगी, अच्छा दो चीजें हैं, एक है कंजम्पशन यानी कि उपभोग, और दूसरा क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अब मुझे बताइए कि इन दोनों एक्टिविटीज में पहले कौन सी एक्टिविटी शुरू होगी, प्रोडक्शन या कंजम्पशन? सर प्रोडक्शन उत्पादक शुरू होगा, प्रोडक्शन है ना। खाना पहले बनेगा, उसके बाद ही तो खाएंगे। क्या बनने के पहले खाना खा सकते हैं? नहीं नहीं खा सर। सकते, है ना। तो प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। अब जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करेंगे तो हम यहाँ पर दो चीजें बना सकते हैं। एक हम बना सकते हैं, गुड नहीं सर। इवनिंग अतुल जी, कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा हम बना सकते हैं कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है उपभोक्ता वस्तुएं, और कैपिटल गुड्स का मतलब होता है पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वो होती हैं जो कंजम्पशन के लिए बनाई जाती हैं। थोड़ा सा पीछे से बता दीजिए, मेरा छूट गया। हाँ, यहाँ पर कहाँ तक आपने देखा था नंदिनी जी? वैसे वहां तक आप बता रहे थे कि पहले क्या उत्पादन होगा या फिर हाँ, वहीं तो से। वहीं से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जब हम उत्पादन करेंगे तो हमारे सामने दो चीजों का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। एक हम उत्पादन कर सकते हैं कंज्यूमर गुड्स का या उपभोक्ता वस्तुओं का, और दूसरा हम उत्पादन कर सकते हैं कैपिटल गुड्स का, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का। तुम्हारे पास उतना ही सामान है,
अब उतने ही सामान से हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या हम कैपिटल गुड्स बनाएं। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं जो कंजम्पशन के लिए बनाई जाती हैं, जो कंजम्पशन के लिए बनाई जाती हैं। और पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग करके हम आगे और वस्तुओं का उत्पादन उत्पादन का कर सकते हैं, ठीक है? वो हमारी पूंजीगत वस्तु यानी कि कैपिटल गुड्स होती हैं। दोनों ही गुड्स की जरूरत होती है। अब फॉर एग्जांपल समझिए, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि एक व्यक्ति ए है। सर, हाँ जी, कंजम्पशन में क्या होता है? ये जो आपने बताया हाँ, वो वस्तु जो कंजम्पशन, मैं उसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप इस एग्जाम्पल को सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, है ना? ठीक है। जी सर, अब ए एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस व्यक्ति के पास मान लीजिए 1,000 रुपए आए। इस व्यक्ति के पास 1,000 रुपए आए, इसने कोई काम किया या कहीं से पैसा इसके पास आया, 1,000 रुपए आए। अब इस व्यक्ति के पास दो ऑप्शन है कि इस 1,000 रुपए में से ये क्या करे। ये खाने का सामान ले या इस 1,000 रुपए से कोई ऐसा चीज ले ले कि ये टमाटर खरीद ले और टमाटर खरीद के इसको दोबारा से आगे बेचे। तो यहां पर जब वो खाने का सामान खरीद लेगा तो उसको खाके खत्म कर देगा, और अगर फॉर एग्जांपल वो जी टमाटर खरीद रहा है और सुबह सब्जी मंडी में लगा के बैठेगा तो इस टमाटर को खरीदने में 1,000 रुपए खर्च के इससे क्या होगा, और पैसा आएगा, है ना? सर, यानी कि सिंपल से टर्म्स में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये अपने साधनों का इस्तेमाल किसके लिए कर रहा है? कंज्यूमर गुड्स के लिए कर रहा है। और यहाँ पर किसके लिए कर रहा है? कैपिटल गुड्स के लिए कर रहा है। कि कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम आगे और प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा दूसरा अंतर ये होता है कि कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाती हैं, और कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। जी सर, ठीक है, तो मुझे बताइए, पहले इस एग्जाम्पल को समाप्त कर लेते हैं। यहाँ पर एक को ये 1,000 रुपए कहाँ खर्च करने चाहिए? उसको देखना पड़ेगा कि उसका पेट भरा है कि नहीं भरा है, क्योंकि कंजम्पशन भी जरूरी है। जब हमारा पेट भरा होगा, हम खाना खा चुके होंगे, तभी हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों की आवश्यकताएं होती हैं। कंज्यूमर गुड्स बेसिकली, अभी प्रविनेश जी ने पूछा कि इसको क्लियर कर दें, तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जिनको हम उपभोग करते हैं। सरल भाषा में इसको हम समझ सकते हैं कि वो चीजें जिनको हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, और वो चीजें एक बार प्रयोग में आने के बाद समाप्त हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल साबुन, फॉर एग्जाम्पल जो हम घर में खाने पीने की चीज इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट हो गया, जो हम क्रीम लगाने के लिए यूज करते हैं, जो उपभोक्ता के लिए बनाई जाती हैं, अंतिम उपभोक्ता के लिए बनाई जाती हैं कि उपभोक्ता इनका इस्तेमाल कर ले और इस्तेमाल करके समाप्त हो जाए, वो गुड कहलाती हैं कंज्यूमर गुड्स। समझ रहे हैं? ठीक है, यस वो कंज्यूमर गुड्स हो गई। पूंजीगत वस्तुओं का अगर हम एग्जाम्पल लें तो पूंजीगत वस्तुओं में हमारे पास आ जाएंगी फॉर एग्जाम्पल मशीन। माइक किसी का ऑन है? ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं में हमारे पास आ जाएगी मशीन, पूंजीगत वस्तु में हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्रीज, उनकी बिल्डिंग्स वगैरह, पूंजीगत वस्तु में हमारे पास आ जाएंगी रोड्स, पुल और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हमारी पूंजीगत वस्तुओं में आ जाती हैं। इनका इस्तेमाल हम आगे और उत्पादन करने के लिए करते हैं। उपभोक्ता वस्तु में हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, फॉर एग्जाम्पल बटर, फॉर एग्जाम्पल क्रीम्स, बिस्किट्स, ठीक है, और ऐसे ही अन्य वस्तुएं जो अंतिम उपभोग के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि उनका ये अंतिम उपभोग है, इसके बाद वो क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। क्लियर? यस।
अब ये दोनों ही चीजें समाज के लिए, इकोनॉमी के लिए जरूरी हैं। अगर हम कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाएंगे तो हमारे जो जनता है, जो हमारे लोग हैं, उनका वेलफेयर कैसे होगा? अगर हम ब्रेड नहीं बना रहे हैं, बिस्किट नहीं बना रहे हैं, तो उनका वेलफेयर कैसे होगा? वो भूखे रहेंगे, ठीक है। और ऐसी ही दूसरी चीजें जिनका जिनका वो इस्तेमाल करके अपना जीवन स्तर बेहतर करते हैं, तो उनका जीवन स्तर बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो केवल मशीनें बना रहे हैं, हम तो केवल बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम तो केवल रोड बना रहे हैं। तो कंज्यूमर गुड्स भी जरूरी हैं और कैपिटल गुड्स भी जरूरी हैं, पूंजीगत वस्तुएं भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर हम पूंजीगत वस्तुएं नहीं बनाएंगे तो हम आगे और ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो देश का विकास नहीं होगा। कंज्यूमर गुड्स की जरूरत पड़ेगी लोगों, देश की जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए या जनता के कल्याण के लिए जरूरी होती हैं, और कैपिटल गुड जरूरी होती हैं बेसिकली देश के विकास के लिए। डेवलपमेंट विकास तो ये चीजें क्लियर हो गई, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, यस सर सभी लोगों को। तो अब यस सर हमारे यस पास, अब फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, हमारे पास दूध 1 लीटर ही है और घर से दो तरीके की डिमांड आ रही है। एक गुट लोगों का घर में कह रहा है कि इस दूध से खीर बना दो, और दूसरा गुट कह रहा है कि इस दूध से दही जमा दो। अब समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि हम इस दूध का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि दोनों ही गुट की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हो जाएं, पूरी हो जाएं। हम पूरे ही दूध से ना तो केवल खीर बना सकते हैं, क्योंकि फिर दूसरी आवश्यकता कमजोर पड़ जाएगी, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, और ना ही पूरे से हम दही जमा सकते हैं। समस्या इसीलिए उत्पन्न हुई कि हमारे पास जो साधन है इन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स को बनाने के लिए, जो रिसोर्सेज है, वो क्या है? सीमित सीमित है, लिमिटेड सीमित ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इन सीमित रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्या बनाने में किया जाए। क्या हम इन सीमित रिसोर्सेज का इस्तेमाल कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करें, या हम इन सीमित रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करें? और अगर दोनों के लिए करें तो कितनी कंज्यूमर गुड्स बनाएं और कितनी कैपिटल गुड्स बनाएं? ये पहली समस्या हमारे पास आती है, जिसको हम कहते हैं समस्या कौन सी वाली, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो पहली जो केंद्रीय समस्या है वो क्या है, व्हाट टू व्हाट प्रोड्यूस, यानी कि किसका उत्पादन किया जाए या क्या उत्पादित किया किया जाए जाए। ठीक, हम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें या हम पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें, ठीक है, दोनों को ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पूंजीगत का उत्पादन नहीं करेंगे तो देश का विकास नहीं होगा, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन नहीं करेंगे तो जनता का कल्याण नहीं होगा, जनता में असंतुष्टि फैलेगी। यहां पर कोई डाउट? ये पॉइंट क्लियर सभी यस लोगों सर को? ठीक यस सर है, प्रभिनेश जी आपको क्लियर? हाँ जी सर क्लियर हो गए ठीक है, गुड अब इवनिंग सर हाँ जी, गुड इवनिंग। अब यहाँ पर अगली चीज आती है, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या हम कैपिटल गुड्स बनाएं, ठीक है, यानी कि हमने एक रेशियो निकाल लिया, या हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार उस समय डिसाइड कर लिया कि किस चीज को कितना कितना बनाना है। तो जो हम ये जान लेते हैं, पहले सवाल का उत्तर निकाल लिया कि क्या बनाना है, क्या उत्पादित करना है, तो अगला सवाल उत्पन्न होता है कि कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, अब प्रोडक्शन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि श्रम आधारित तकनीक, और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक, ये बेसिकली
मशीन आधारित। तकनीक होती है। यहां पर कैपिटल का मतलब है पूंजीगत वस्तुओं पर आधारित। अब यहां लेबर इंटेंसिव टेक्निक से आपको नाम समझ से ही समझ में आ रहा होगा कि लेबर यानी कि श्रम का इस्तेमाल करके हमको चीजों का उत्पादन करना है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से ये समझ में आ रहा होगा, हिंदी से समझ में आ गया होगा कि यहां पर उत्पादन में मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब हाउ टू प्रोड्यूस में हमको ये देखना है कि हम किस तकनीक का इस्तेमाल करके कम से कम लागत में उत्पादन कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना अगर सस्ता पड़ रहा है तो हम इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना महंगा पड़ रहा है और ये सस्ता पड़ रहा है तो हम इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ श्रम सस्ता है, लेबर सस्ता है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करके उत्पादन किया जाना चाहिए, और अगर हमारे यहाँ मशीनों से काम करवाना सस्ता है, लेबर महंगा है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करके उत्पादन करना चाहिए। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन करना ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर लेबर सस्ता होता है, वहां पर लेबर सस्ता होता है तो वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर मुख्यतः मशीनों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो डेवलपमेंट लेवल है, डेवलपमेंट स्टेज है, वहां पर आप कहाँ पर सिचुएटेड, और आपके यहाँ लेबर और मशीनीकरण में से क्या ज्यादा सस्ता पड़ता है। ठीक है, क्लियर। अगर एग्जाम्पल में देखें तो जापान, कोरिया, चीन, इन सब के पास मशीनीकरण का उपयोग ज्यादा होगा, और हमारा अगर भारत देखा जाए तो यहाँ लेबर का ज्यादा इस्तेमाल लेबर का होगा। इस्तेमाल ज्यादा होगा, चीन में भी जनसंख्या बहुत है तो वहां पर मैन फोर्स ज्यादा है तो वहां पर भी लेबर सस्ता ओके सर, है ना। ठीक है, तो जहां पर लेबर सस्ता होगा वहां पर हम लेबर का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर लेबर महंगा होगा वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ठीक। का। इसके बाद जब हमने देख लिया कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है, उसके बाद अगली जो आती है वो होती है हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए उत्पादन करें। यहां पर बेसिकली ये जो सवाल है, ये सवाल है उत्पादित वस्तुओं के वितरण से, उनके डिस्ट्रीब्यूशन से, कि उनको किस तरीके से समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में बांटा जाए जिससे कि जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो सके। यहाँ पर दो बातें आती हैं कि जो वितरण किया जाना चाहिए उत्पादित वस्तुओं का वो लोगों की इनकम के आधार पर किया जाना चाहिए, और दूसरा आता है कि वो फंक्शनल यानी कि उत्पादन के साधनों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस वितरण वाले पार्ट को हम लोग आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहां पर हमको ये देखना होता है कि हम उत्पादन के साधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन करें वो इनकम के आधार पर करें, या उत्पादित वस्तुओं का वितरण जो हम लोगों के बीच में करें वो उनकी आय के आधार पर करें, या उन्होंने उत्पादन के साधनों का कितना योगदान दिया है प्रोडक्शन प्रोसेस में उसके आधार पर करें। तो ये चीजें यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहलाती हैं। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस यानी कि उनका वितरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? सर ठीक है, इस वाले पॉइंट में अभी हम एक लोग बार इतना ही रिपीट कर रखेंगे। दीजिए, हाँ जी अतुल जी, सर रिपीट कर दीजिए एक बार। कौन सा वाला? यस सर, यहाँ सर ये डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला हाँ सर। हाँ
हम लोग अभी यहाँ पर इसमें इतना ही पढ़ेंगे, इसकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे चल के। फिलहाल यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि जिन भी चीजों का उत्पादन किया गया है उन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन समाज के अलग अलग वर्गों, अलग अलग लोगों के बीच में उन लोगों की आय के आधार पर किया जाए, या उन्होंने उत्पादन में कितना योगदान दिया है उसके आधार पर किया जाए, यानी कि उनके फंक्शन के आधार पर किया जाए, फंक्शनल बेसिस पे। ओके सर, ठीक है, इस पॉइंट को आगे और डिस्कस करेंगे अलग से, हम लोग टॉपिक आएगा इसका अलग से, वितरण का। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, और हम ये बोल सकते हैं कि इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को किसी इकोनॉमी में किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसके आधार पर जो इकोनॉमीज हैं वो तीन प्रकार की होती है। ठीक, पहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर? ठीक है, यस इनको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि आखिरकार इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और बाकी चीजें। तो यहां अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी थी? व्हाट टू टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर दूसरी थी हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस, है ना? तो यहां पर क्या हुआ, देखिए ये जो तीनों अर्थव्यवस्थाएं हैं ये दुनिया में एक साथ नहीं आई, ये एक एक करके ग्रेजुअली उत्पन्न होती गई। सबसे पहले जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था आधुनिक काल में शुरू हुई उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद सोशलिस्ट, दुनिया में विकास हुआ सोशलिस्ट इकोनॉमी का। और जब दुनिया ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों की अच्छाइयों और बुराइयों को समझ लिया और ये कहा कि इन दोनों में अच्छाइयां भी हैं लेकिन दोनों में बुराइयां भी हैं, तो उन दोनों की बुराइयों को एलिमिनेट करके अच्छाइयों को मिलाते हुए एक तीसरे प्रकार की इकोनॉमी को जनरेट किया गया जिसको कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर? तो यहां यस सर, यहां पर अगर हम लोग देखें तो जब शुरुआत होती है इस तरीके की चीजों की तो यहाँ पर सबसे पहला ये सवाल आता है कि जो उत्पादन किया जाए वो उत्पादन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाए या उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? उत्पादन सरकार के द्वारा किया जाए और उत्पादन करके वस्तुओं को जनता के बीच में बांटा जाए या जनता से ही कह दिया जाए कि भाई आप खुद उत्पादन करिए और चीजों को अपने बीच में आपस में जिस तरीके से चाहें उस तरीके से बांटिए, ऐसा हो सकता है ना? ठीक जी जी सर, है, तो आप लोगों को याद होगा कल हम लोगों ने एक नाम लिया था जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एडम स्मिथ। जी एडम स्मिथ की बुक आई थी जिसका नाम हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने कहा था कि शॉर्ट में इस बुक को हम लोग बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, नेशंस। ये जो बुक आई थी वो कब आई थी,
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन1876 के समय, हाँ 1776 में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय 1776 में ये बुक आई थी। और इस बुक में एडम स्मिथ ने खुल के वकालत की थी, किस चीज की? उन्होंने कहा था कि उत्पादन के कैपिटल साधनों और प्रक्रिया पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सारा कुछ किसके हाथ में होना चाहिए? प्राइवेट हाथों प्राइवेट में सब होना चाहिए। सारा कुछ प्राइवेट हाथों में होना चाहिए। और जब सब चीजें प्राइवेट हाथों में होती हैं और सरकार का कोई नियंत्रण उसमें नहीं होता, तो इस प्रकार की पॉलिसी को बोलते हैं लेसेज कैपिटलिस्ट फेयरे की पॉलिसी, एसएस है ना? लेसेज फेयरे की पॉलिसी, यानी कि अहस्तक्षेप की नीति। लेसेज फेयरे यानी कि अहस्तक्षेप की नीति, इस पॉलिसी को बोला जाता है। ये बात किसने कही? ये बात कही एडम स्मिथ ने कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का और उत्पादन की प्रक्रिया पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और ना ही सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये सब प्राइवेट हाथों में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सब प्राइवेट हाथों में होगा तो मार्केट खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगा। मार्केट खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जो ए है वो एक जगह दुकान लगाता है और उस दुकान में वो दो चीजें बेचता है, चीज एक्स और चीज वाई। अब जब वो पहले दिन बैठता है तो 50 यूनिट चीज एक्स की लेके बैठता है, 50 यूनिट चीज वाई की लेके बैठता है। और वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये अनुभव करता है कि चीज एक्स ज्यादा बिक रही है और चीज वाई तो बिक ही नहीं रही है। तो वो क्या करेगा? वाई को बेचना जारी रखेगा? नहीं नहीं, नहीं वो पर अब एक्स को ज्यादा प्रोडक्शन माल बढ़ा, लेके किसका आएगा? एक्स का लेके एक्स आएगा, का है ना? यानी कि चीज एक्स ज्यादा बिक रही, यानी कि चीज एक्स की डिमांड क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है, ज्यादा तो उसको चीज एक्स की सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। यानी कि चीज एक्स का भी उत्पादन क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो किस चीज का उत्पादन किया जाए उसको किसने बता दिया? मार्केट ने बता मार्केट दिया, ग्राहक ने, है ना? मार्केट यानी कि इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा कि नहीं, तुम एक्स बनाओ या वाई बनाओ। मार्केट ने खुद बता दिया कि भाई ए, तुमको किस चीज का ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। यही बात एडम स्मिथ ने कही कि मार्केट खुद इस समस्या का समाधान कर देगा कि किस चीज को ज्यादा बनाओ, किस चीज को कम बनाओ। और मार्केट खुद ये बताएगा ए को कि क्या चीज ज्यादा, क्या किस तरीके से बनाना चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मार्केट खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगा। आपने देखा यहाँ पर, ये चीज क्लियर हुई? हम लोग जानते भी हैं कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस चीज की सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि बढ़ जाएगी, तो उत्पादक क्या नहीं चाहता है? उत्पादक चाहता है कि उसका प्रॉफिट बढ़े। तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो उसी चीज को बेचना चाहेगा जिस चीज की मांग ज्यादा होगी, है ना? जिस चीज की मांग ज्यादा होगी। तो मार्केट अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेगा। और मार्केट के द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने कहा कि मार्केट में कुछ फोर्सेज होती हैं, कुछ शक्तियां होती हैं जो सब कुछ डिसाइड कर देती हैं। इसको उसने नाम दिया मार्केट फोर्सेस का। क्या नाम दिया? मार्केट फोर्सेस का। उन्होंने कहा कि ये शक्तियां दिखती नहीं है, यानी कि ये कैसी होती हैं? इनविजिबल। और इन मार्केट फोर्सेस का टेक्निकल नाम आता है प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्राइस प्राइस मैकेनिज्म। में कहने हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कीमत कीमत, प्रणाली। ठीक, प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली दो चीजों से मिलके बनता है, डिमांड
और सप्लाई सप्लाई। तो प्राइस मैकेनिज्म को अगर हम सरल भाषा में डिफाइन करना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें डिमांड और सप्लाई मिलकर ये डिसाइड करते हैं, डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिसाइड करते हैं कि किस चीज का उत्पादन किया जाना चाहिए और उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, हम उसी स्थान पर रुक के माल को बेचना और उत्पादित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितनी सप्लाई होगी हम उतनी ही डिमांड सॉरी जितनी डिमांड होगी हम उतना ही क्या करेंगे, सप्लाई सप्लाई करेंगे। सप्लाई इस चीज को और एलैबोरेट करने की जरूरत है तो बताइए, मैं और कर दूं। ये सर समझ में आ गया सर, ठीक है, ये सर तो बाकी सभी लोगों को क्लियर है ना? जी सर तो उन्होंने कहा कि मार्केट में इनविजिबल फोर्सेज होती हैं जिनको मार्केट फोर्सेज या प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं, वो उसमें खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। और इस तरीके से उन्होंने इसकी वकालत की कि सभी चीजें निजी हाथों में होनी चाहिए और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली वो किस प्रकार की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात उन्होंने की, ये बेसिकली कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत इंग्लैंड से नहीं होती है, इसकी शुरुआत गौरव जी माइक आपका रहा है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है अमेरिका से। अमेरिका आजाद होता है 4 जुलाई 1776 को, अमेरिका आजाद होता है। और आजाद होने के बाद 4 जुलाई 1776 को आजाद होने के बाद अमेरिका अपनाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने के बाद अमेरिका तरक्की करना शुरू कर देता है। और इसके बाद धीरे धीरे ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरे यूरोप के द्वारा भी अपना ली जाती है। तो अब ये लगभग 1800 के आसपास पूरा यूरोप और पूरा जो अमेरिका है वो किस इकोनॉमी को फॉलो करना शुरू कर चुका था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। तभी तो हम लोग इन देशों को क्या बोलते हैं? पूंजीवादी देश। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआत होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो लक्षण हैं वो क्या क्या हैं? ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इसको हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का तो आपको मतलब पता ही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फ्री इकोनॉमी का मतलब हो गया मुक्त अर्थव्यवस्था, और मार्केट इकोनॉमी का मतलब हो गया बाजार अर्थव्यवस्था। क्या आप बता सकते हैं इसको मुक्त अर्थव्यवस्था क्यों बोलते हैं और बाजार अर्थव्यवस्था क्यों बोलते हैं? सर मुक्त तो शायद इसलिए बोलते होंगे क्योंकि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, बिल्कुल सही, और बाजार मतलब ये जो अभी बाजार। बताया है कि बाजार खुद मतलब इसके डिसाइड करेगा कि किस चीज की हाँ, कितनी मांग है। क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किसके द्वारा किया जाता है? प्राइस मैकेनिज्म बाजार के द्वारा, यानी कि मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके एक मुख्य, सवाल पूछना था हाँ सर, जैसे ये जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो आप समझा रहे हैं, उसमें सर अराजकता भी बहुत आएगी
मतलब बिल्कुल आई थी। अब जैसे अगर उत्पादन ज्यादा है तो व्यवस्था नॉर्मल चलेगी, लेकिन अगर उत्पादन ज्यादा नहीं है तो किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, तो कोई ज्यादा भी बेचेगा तो मार्केट हमारी तो डिस्टर्ब हो जाएगी ऐसे। बिल्कुल सही बात है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यही सबसे बड़ी कमियां हैं कि यहाँ पर जो वितरण होता है, मैं जी ये सर, बोल रहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें वितरण असमान होता है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि यहाँ पर किसी चीज का उत्पादन ज्यादा होगा, किसी चीज का उत्पादन कम होगा, तो ये जो चीज है ये इस प्रकार की अराजकता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मतलब ये होगा, लेकिन उत्पादन उसी चीज का ज्यादा होगा जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, और उत्पादन उसी चीज का कम होगा जिस चीज की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो ये कम अराजकता होगी नहीं है, ये मार्केट का बैलेंस है। जी अराजकता सर। ये हो जाएगी कि कुछ लोग बहुत अमीर होते चले जाएंगे और कुछ लोग बहुत हाँ सर, कुछ लोग गरीब गरीब होते बताएंगे, चले यस सर, ये जाएंगे, कहना तो चाह ये रहे एक थे आप। क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। हाँ जी ठीक, जी अभी जी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में सारी चीजें देखते हैं। ठीक सर, ठीक है, यहाँ पर जी सर, सबसे सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन हैं वो निजी क्षेत्र में होते हैं, निजी हाथों में। यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसमें होते हैं, प्राइवेट ओनरशिप होती है, कुछ भी सरकार का नहीं है, सब निजी क्षेत्र में है। हर चीज, हर उत्पादन का साधन निजी क्षेत्र में है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। फैक्टर्स ऑफ उत्पादन के साधन यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, जमीन हो गई, मशीन हो गई, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सभी निजी हाथों में है, सरकार का कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज होती है यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है, सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है। सरकार ये नहीं कहेगी कि तुम ये बनाओ वो क्यों बना रहे हो, सरकार ये नहीं कहेगी कि इस चीज को इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नहीं, सारा कुछ निजी हाथों में, जैसा उत्पादक को लगेगा उस तरीके से वो बनाएगा और उस चीज को बनाएगा जिस चीज को वो बनाना चाहता है, यानी कि जिस चीज की डिमांड है मार्केट में। यहां पर फ्रीडम ऑफ वर्क होता है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार या छूट है कि वह जो भी काम करना चाहे कर सकता है। यानी कि फ्रीडम ऑफ वर्क होता है, आपका मन है आपको ये काम करना है, उत्पादन करना है, आप बन जाइए उत्पादक। आपका मन है कि आपको खेती करनी है तो आप खेती करिए। आपका मन है कि आपको सर्विस सेक्टर में जाना है, आप सर्विस सेक्टर में जाइए। आपका मन है कि आपको नौकरी करनी है, आप नौकरी करिए। नौकरी में आपका मन है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, कोई रोकने नहीं आएगा, मेहनत करो, लायक होगे तो बन जाओगे। आपका मन है कि आपको इंजीनियर बनना है, आप बन जाइए। आपका मन है कि आपको कुछ नहीं करना, घर में केवल पड़े रहना है, तो पड़े रहो, कोई पूछने नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ वर्क होती है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो इकोनॉमी होती है, अच्छा यहाँ पर बताइए, अगर उत्पादन के साधन निजी हाथों में है, यानी कि हम जनता, हर व्यक्ति के पास अपना अधिकार है, तो अगर आपके पास कोई उत्पादन का साधन है, तो यानी कि आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई और उत्पादन का साधन है आपके पास, तो उसका इस्तेमाल आप किसके भले के लिए करेंगे? अपने भले के लिए करेंगे कि अपने समाज के भले के भले के लिए लिए, करेंगे? और सबके अपने भले के लिए अपने करेंगे, किसके भले के लिए करेंगे? अपने भले के अपने भले के लिए, लिए, है ना? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। बिल्कुल। यहाँ यानी कि यहाँ पर जो लाभ है वो क्या होता है, मुख्य होता है। यानी कि ये जो इकोनॉमी होती है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, प्रॉफिट मोटिव यहाँ पर होता है। यानी कि निजी हाथों में होने वाले इन उत्पादन के साधनों का प्रयोग लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, निजी लाभ के उद्देश्य से किया जाता है कि हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें कि हमारा प्रॉफिट कैसा हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक, मुझे ये बताइए,
अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी कि यहाँ पर उत्पादक जो है वो वही चीज बनाएगा जो चीज कंज्यूमर खरीदना चाहेगा, जिस जी चीज सर, की डिमांड होगी उसी का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिस चीज की डिमांड नहीं होगी उस चीज का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो मुझे एक सीधे शब्द में ये बात बता दीजिए कि किस चीज का उत्पादन होगा या किस चीज का उत्पादन नहीं होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? क्या ये प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहा है? मार्केट डिसाइड कर रहा है नहीं हिसाब सर, से, मतलब मार्केट कस्टमर डिसाइड कर रहा है सर उसकी नीड, अल्टीमेटली मतलब अल्टीमेटली देखा जाएगा तो यहाँ पर कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि किस चीज का यस उत्पादन सर, किया जाए, किस उपभोक्ता चीज का उत्पादन ना सर, किया उपभोक्ता है ना, क्योंकि यस सर, डिमांड पर उपभोक्ता कर रहा डिपेंडेंट है ना, मांग पर है डिपेंडेंट जी है ना, और मांग कौन करता जी है? उपभोक्ता उपभोक्ता। उपभोक्ता करता है, यानी कि कंज्यूमर जो चीज चाहेगा उसी चीज का उत्पादन होगा, और कंज्यूमर जो चीज नहीं चाहेगा उस चीज का उत्पादन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस चीज का उत्पादन करेंगे तो वो बिकेगी ही नहीं, और नहीं बिकेगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो हमको तो प्रॉफिट कमाना है, तो हम वो चीज बना के बेचेंगे जिस चीज में हमको क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट उस चीज को बनाने पर होगा जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? यानी कि यहां जी पर हम लोग एक शब्द बहुत सुनते हैं, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, है ना? तो यहां पर कंज्यूमर कौन है? उपभोक्ता है कंज्यूमर सॉवरेन है, हिंदी में क्या बोलेंगे? उपभोक्ता यहां पर क्या है? राजा है ना? उपभोक्ता ये डिसाइड करेगा कि किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए या ना किया जाए, ठीक है? उपभोक्ता जहां पर चाहेगा वहां पर अपना पैसा खर्च कर सकता है। तो पूरा मार्केट कंज्यूमर की इच्छा पर चलता है, वो जिस चीज की डिमांड करेगा उसका प्रोडक्शन होगा, और जिस चीज की डिमांड नहीं करेगा उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर? जी सर, यहां पर इस प्रकार की इकोनॉमी में पाई जाती है आय की असमानता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनकम की इनक्वालिटी पाई जाती है, इनकम इनक्वालिटी पाई जाती है। इस प्रकार की इकोनॉमी में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और बाकी लोग गरीब और बहुत गरीब होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास पूंजी का नियंत्रण होगा, और वही कुछ लोग उस पूंजी का इस्तेमाल करके उत्पादन कर रहे होंगे, और उत्पादन कर करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए अमीर होते चले जा रहे होंगे, और बाकी लोग गरीब और बहुत गरीब होते चले जा रहे होंगे, है ना? आप याद करिए कल की क्लास में एडम स्मिथ ने जो बताया था वेल्थ मैक्सिमाइज करना, तो मैंने कहा था दो प्रकार के लोग हैं, एक पूंजीवादी लोग, पूंजीपति, और दूसरे कौन? मजदूर। और ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मजदूरों का शोषण करना शुरू कर देते हैं, मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं, है ना? तो आय की असमानता के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर शोषण भी होता है, ठीक है? मजदूरों का शोषण भी होता है, जिससे कि क्या उत्पन्न हो जाता है? ये आय की असमानता और ये होने वाला यस शोषण वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, और इसी वर्ग संघर्ष की विचारधारा को लेकर आते हैं कार्ल मार्क्स जैसे लोग, है ना? जो ये कहते हैं कि जिनके पास नहीं है उनको वो छीन लेना चाहिए उन लोगों से जिनके पास है ना? यही तो विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा। मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है, बताया। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक जी सर, बहुत है, बोरियत तो नहीं हो रही है? बहुत ड्राई सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। सर, नहीं सर, इसमें तो हाँ, निकलने में आसानी हो रही है ना? जी सर, इकोनॉमिक्स को बहुत यस ड्राई और सर, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। नदीम जी, क्लियर हो रहा है? इंटरेस्टिंग है। तो अब यहां पर
जब इस तरीके का समाज उत्पन्न हो गया यूरोप में और लगभग उस समय की पूरी दुनिया में, हम लोग तो गुलाम ही थे, तो एक तरीके से हम भी किसके आधिपत्य में थे? यूरोपियों के आधिपत्य में ही तो थे, है ना? तो यस सर, यूरोपीय यहाँ भी और जहां जहां पूरी दुनिया में थे इसी प्रकार के काम कर रहे थे। तो एक तरीके से पूरी दुनिया में ही ये फैल गया यूरोपियों के द्वारा, और पूरी दुनिया में शोषण की शुरुआत हो गई, पूरी दुनिया में असमानता की शुरुआत हो गई। और इसी असमानता के बीच में एक व्यक्ति का उदय होता है जिसका नाम था कार्ल मार्क्स, है ना? कहाँ के थे कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स जर्मनी। जर्मनी के थे, अच्छा, है ना? तो इसी बीच में आते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है? कार्ल मार्क्स आते हैं, कार्ल मार्क्स की एक बुक है दास कैपिटल। दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्होंने तैयार किया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके साथ मिलकर? फ्रेडरिक एंजेल्स और कार्ल मार्क्स, ये नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है एक दो बार, किसी एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, कि यूपीपीएससी से पूछा गया है, लेकिन ये नाम ध्यान रखिएगा कि दो लोगों का काम है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल तो है ही, ठीक है? तो ये जर्मन फिलोसोफर थे, फ्रेडरिक सर इनके नाम बता दीजिए, काल मास के हमें कौन थे सर, ये ट्रेडर्स, फ्रेडरिक एंजेल्स। फ्रेडरिक एंजल्स। सर इस बुक का नाम बता दीजिए एक बार दो, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट। मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1860 में ये सर किताब आई थी, नहीं 1848 में ये किताब आई थी, पहली बार पब्लिश हुई थी 1848 में, ठीक है? तो 1800 तक लगभग हर जगह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फैल गई थी, पूंजीवादियों का साम्राज्य हो चुका था, आय की असमानता चरम पर पहुंच गई थी, मजदूरों का शोषण, गरीबों का शोषण चरम पर पहुंच गया था हर जगह। और जर्मनी भी कहां पर है? यूरोप में, तो वहां पर भी यही सब चल रहा था। तो कार्ल मार्क्स से देखा नहीं गया, और उन्होंने एक नए प्रकार की इकोनॉमी की बात की। उन्होंने कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये शोषणवादी इकोनॉमी है। उन्होंने सपना देखा समाजवाद का। समाजवाद वो विचारधारा है जिसको हम सरल शब्दों में बोलें, जहां पर सब समान है, जहां पर आय की समानता हो, ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, यानी कि आय के साधनों पर या उत्पादन के साधनों पर सभी का बराबर हक हो, ठीक है? तो इन्होंने 1848 में जब ये बुक आई, और उसके अलावा भी इनके जो विचार थे वो फैलना शुरू हुए, और इन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करनी शुरू की। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करनी शुरू करी, जो इसी समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। इस सोशलिस्ट इकोनॉमी में इन्होंने ये कहा कि जो उत्पादन के साधन है उन पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। इन उत्पादन के साधनों का प्रयोग सबके भले के लिए होना चाहिए, सबके भले के लिए होना चाहिए, ऐसी बातें उन्होंने करी। इनकी बातें लोगों ने सुनी, और क्योंकि मैंने बताया था कि जब आय की असमानता और उत्पीड़न चरम पर फैल गया तो होनी शुरू हुई क्रांतियां, और क्रांति शुरू होती है सबसे पहले रूस में, इसको हम बोलते हैं बोल्शेविक।
क्रांति जो रूस में हुई थी 1917 में। सत्रह इस क्रांति के जो नेता थे वो थे लेनिन, बोल्शेविक क्रांति, लेनिन, वो भी समाजवादी थे। और यहां पर बोल्शेविक क्रांति का जो मूल था वो यही समाजवाद था, ठीक है। यहां से शुरुआत होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की, जब ये बोल्शेविक क्रांति होती है और जो सत्ता है वो बोल्शेविकों के हाथों में आती है, लेनिन के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। लेकिन इसका वास्तविक रूप उभर कर आता है चीन में, ठीक है। चीन में 1949 में इसका वास्तविक रूप उभर के आता है, और यहां से रूस और चीन से शुरुआत होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की, और इसके बाद ये दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू होती है, ठीक। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने देखा कि जो उत्पादन के साधन है उनका जो नियंत्रण है वो किसके पास होना चाहिए, समाज के पास होना चाहिए। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की, सर हाँ जी बोलिए। सर कब आया था, मतलब वास्तविक रूप में एक बार नीचे? चीन ठीक में है सर, 1949। अब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है ये शुरू हो गई, और इसी सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक एक्सट्रीम रूप निकल के आता है जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी एक एक्सट्रीम रूप है जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो पहले हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी समझ लेते हैं, और सोशलिस्ट इकोनॉमी के ही एक्सट्रीम रूप को उसके बाद समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, क्लियर। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम और भी नामों से जानते हैं, सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। चलिए देख लीजिए फिर मुझे बताइएगा। सर हो गया। हाँ जी, सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही बोलते हैं स्टेट इकोनॉमी, या इसी को बोलते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी हम बोल सकते हैं ठीक उल्टी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण था, निजी क्षेत्र का, है ना। यहां पर क्या है, यहां पर जो उत्पादन के साधन है उन पर, सर पीछे वाला रिपीट कर दे प्लीज। मैंने बोला कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को स्टेट इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ठीक अपोजिट होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो क्या बोलते हैं, उत्पादन के साधन है उनका नियंत्रण निजी हाथों में होता है, और वो निजी लोग उस उन उत्पादन के साधनों का प्रयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, अपने लाभ को मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं, जिससे कि आय की असमानता बढ़ती है। सोशलिस्ट या स्टेट इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी में उत्पादन के साधनों का सामूहिक नियंत्रण होता है किसके पास, समाज के पास, स्टेट या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये सोसाइटी ओन करती है। उत्पादन के साधन
सोसाइटी ओन करती है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, वो सोसाइटी या समाज का उसके ऊपर अधिकार होगा। और समाज का अधिकार होगा तो क्या समाज का हर आदमी उसका उपयोग करेगा? नहीं, समाज अपने बीच में से कुछ लोगों को चुनेगा और कहेगा कि हमारे बीच से चुने हुए तुम लोगों, इन उत्पादन के साधनों का हमारी तरफ से नियंत्रण तुम करो। ठीक है, तो वो जो लोग सोसाइटी के द्वारा ही चुन कर भेजे गए हैं, तो सोसाइटी के बिहाफ पर उन उत्पादन के साधनों का प्रयोग सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हैं, उन लोगों को सामान्य भाषा में क्या बोला जाएगा? सरकार या स्टेट? तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जरूरी क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोसाइटी ओन करेगी, सोसाइटी के बिहाफ पर, सोसाइटी के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा इन उत्पादन के साधनों का प्रयोग सोसाइटी के भले के लिए किया जाएगा। तो क्योंकि उनके द्वारा चुने लोग हैं, तो एक ऐसी गवर्नमेंट होगी हमेशा यहाँ पर, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेट अब वो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेट गवर्नमेंट दिखावे के लिए भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है ना? ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई कि उत्पादन के साधनों की सामूहिक ओनरशिप होती है सोसाइटी के द्वारा, और सोसाइटी के बिहाफ पर सरकार यानी कि स्टेट उसको नियंत्रित करती है, उनका इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पर जब निजी हाथों में था तो उन साधनों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया जा रहा था, और अब ये किसके पास है? सोसाइटी के पास है। तो अब इसका इस्तेमाल किसके फायदे के लिए किया जाएगा? सोसाइटी समूह के लिए, के लिए। के लिए सभी के लिए। तो यहाँ का जो यस उद्देश्य होता है, उन उत्पादन के साधनों के प्रयोग का जो उद्देश्य, वहां पर प्रॉफिट था, यहाँ पर क्या हो गया? सोसाइटी का वेलफेयर, यानी कि यहाँ का जो मोटिव है वो क्या है? वेलफेयर मोटिव, कि सबका कल्याण हो, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। ठीक है, और उत्पादन के साधनों का प्रयोग उत्पादन के साधनों का प्रयोग सरकार द्वारा जनता या समाज के कल्याण हेतु किया जाता है। क्लियर? चीजें इंटरकनेक्ट हो रही है ना? यस जिन लोगों ने कभी जी इकोनॉमिक्स सर नहीं पढ़ी उनको भी क्लियर हो रहा है ना? उलझ तो नहीं रहे? जी सर ठीक है, जी अब यहां पर एक सेकंड, राइट टू वर्क होता है, इसकी गारंटी होती है। थोड़ा सा नीचे करेगा। हाँ एक सेकंड, बस, सरकार द्वारा। ठीक जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्रीडम टू वर्क था, यानी कि आपका मन है आप काम करें, आपका मन है आप काम ना करें, आपका काम करने का मन है तो जो भी आपका मन है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनिए, आपका मन है कि चपरासी बनना है चपरासी बनिए, आपका मन है कि हमको इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। वैसे ही यहाँ पर राइट टू वर्क होता है, यानी कि काम का अधिकार सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, सरकार सबको काम देगी, कोई भी, क्योंकि देखिए उत्पादन के साधन तो आपसे छीन लिए गए, सरकार के पास चले गए, तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी को काम का हक दे, सभी को काम का अधिकार दे, और सभी को उस प्रकार का काम दे जिससे वो अपना पेट भर सके, है ना? काम होगा तभी तो पेट भर पाएगा। तो यहाँ पर राइट टू वर्क होता है, सरकार के द्वारा गारंटी दी जाती है कि हम सबको काम देंगे, लेकिन यहाँ पर राइट टू वर्क तो है लेकिन फ्रीडम नहीं है। यानी कि यहाँ पर आप ये नहीं चुन सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका मन है कि आप डॉक्टर बने, आपका मन है कि आप आईएएस बनके या आर्मी में जाके देश की सेवा करें, लेकिन सरकार को लगता है कि नहीं, सड़क की सफाई करना ज्यादा जरूरी है, तो आपको कहेगी आप सड़क की सफाई करने जाके, है ना? क्योंकि उससे समाज का कल्याण होगा। तो यहाँ पर
काम की गारंटी है, काम मिलेगा, लेकिन क्या काम मिलेगा ये भी कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी, करेगी। ठीक है? तो राइट टू वर्क गारंटीड है, लेकिन फ्रीडम टू वर्क यहाँ पर नहीं है। आप कौन सा काम करेंगे ये आपके हाथ में नहीं है, वो सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ठीक? उत्पादन क्या होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया जाता था मार्केट फोर्सेस द्वारा, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा, कि क्या उत्पादित किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। यहां पर उत्पादन क्या होगा ये डिसाइड करेगी सरकार, सरकार द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है? सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, या ऐसे बोल लें कि सोसाइटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि सरकार जो है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरेनिटी या तो होती ही नहीं है या बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होती है। क्लियर? फिर ठीक है, कंज्यूमर के बाद क्या लिखा है सर? कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर की सर्वोच्चता या सॉवरेनिटी यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होती है, कि आपका मन है कि हमको पिज्जा खाना है, लेकिन सरकार ने पिज्जा के उत्पादन पर बैन लगा दिया है क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और उसने कहा है कि देश में कोई भी पिज्जा का उत्पादन नहीं करेगा। तो खा लेंगे पिज्जा, कैसे खाएंगे? सरकार ने मना ही कर दिया है कि उत्पादन नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पर चने खाए जाएंगे उबले, ठीक है? अच्छा तो आपका मन है पिज्जा खाने का, सरकार कहेगी नहीं चने खाओ। ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहां पर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी हो भी क्यों ना, किसी के पास निजी संपत्ति है ही नहीं, सब संपत्ति किसकी है? सरकार सरकार की। की। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो बेसिक मेन चीज ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व हो रही हैं, और सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार के द्वारा सॉल्व किया जा रहा है ना? जी ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं चीन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया। सोवियत रशिया। शुरुआत में, अब तो कोई भी देश दुनिया में ना तो प्योर सोशलिस्ट है और ना ही प्योर कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट तो ये चीज यहां पर आ गई। अब यहां पर ये दो मुख्य विचारधाराएं, दो मुख्य एक्सट्रीम्स आ जाते हैं। एक सिरा आपका है, एक एक्सट्रीम आप, अच्छा एक सेकंड, एक चीज तो रही गई। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो एक्सट्रीम रूप है वो है हमारे पास कम्युनिस्ट इकोनॉमी, है ना? जब सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनी हद पार कर जाती है तो वो बन जाती है क्या? कम्युनिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में उत्पादन के साधनों पर सरकार का केवल नियंत्रण है, जबकि कम्युनिस्ट इकोनॉमी में उत्पादन के साधन अब सरकार अपने हाथों में ले लेती है, समाज का भी कुछ उसमें नहीं, सरकार अपने हाथ में ले लेगी और सरकार अब उनका अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी और अपने हिसाब से चीजों का वितरण करेगी। ये कहलाती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक्सट्रीम रूप होता है। क्लियर? अब क्या हम सर बात, बिगड़ा बोल सकते हैं या बना हुआ रूप बिगड़ा ही एक्सट्रीम है, को मतलब? एक्सट्रीम का मतलब चरम रूप, चरम चरम समझते हैं ना डेविड जी?
यस सर, सर, मतलब हाँ एकदम ऊपर पे हो जाना, बिल्कुल, हाँ पीक लेवल सर, नॉट पीक फुली, लेवल एकदम। बिल्कुल आसमान पे पहुंच जाना। अच्छा अब हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं, दो सिरे हैं, एक सिरे पे कैपिटलिज्म बैठा है और दूसरे सिरे पर कौन बैठा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी बैठी, दोनों एक दूसरे की सोशलिस्ट, अपोजिट हैं। कुछ अच्छाइयां इसमें हैं, कुछ अच्छाइयां इसमें हैं, कुछ बुराइयां इसमें हैं और कुछ बुराइयां इसमें हैं, ठीक। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें सरकार का पूरा हस्तक्षेप है। इसमें उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसमें उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा और ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं होगी, और जनता की जो एक तरीके से बोल सकते हैं आजादी है, उस पर थोड़ी बहुत रोकथाम लगी रहती है। अच्छा अब यहाँ पर इसी बीच में पैरेलल में जब ये सब चीजें दुनिया में चल रही हैं, तो उसी बीच में पैरेलल में आता है एक बहुत बड़ी घटना आर्थिक इतिहास की, जिसको बोलते हैं आर्थिक मंदी, महान आर्थिक मंदी, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन, जो आया था 1929 में, ग्रेट डिप्रेशन, हिंदी में महान आर्थिक मंदी, ये सन याद रख लीजिएगा 1929। इससे बड़ी आर्थिक मंदी दुनिया में आज तक नहीं आई। इस आर्थिक मंदी में डिमांड एकदम से घट जाती है, और जब डिमांड घट जाएगी तो बिक्री नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, अब मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो खर्च कम करेंगे, खर्च कम करने से फिर से क्या हो गई, डिमांड कम हो गई, डिमांड, है ना, फिर एक यस साइकिल चल पड़ा, साइकिल चल पड़ा, और इससे ये मंदी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया, लोगों की इनकम घटती चली गई, और बड़े बड़े जो देश थे उस समय, उन सभी देशों की जो कमर है वो क्या हो गई, टूट गई। किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि आखिरकार इस मिक्स, इस जो आर्थिक मंदी है उससे बाहर कैसे निकला जाए, इस आर्थिक मंदी के तिलिस्म को तोड़ा कैसे जाए, और ये एक जो विशियस साइकिल शुरू हो गया है इसको कैसे बाहर निकाला जाए। ना इसका जवाब सोशलिस्ट इकोनॉमी में था, ना इसका जवाब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में था, और दुनिया एक बहुत बड़े भंवर में फंस गई थी और बिल्कुल गलत में जा रही थी। पूरी तरीके से बड़े बड़े देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए थे, और इसी समय पर एक इकोनॉमिस्ट निकल के आते हैं जिनका नाम होता है कीन्स, JM कीन्स, JM कीन्स, ये एक बुक उस समय इनकी आती है 1936 में। इस बुक में उन्होंने अपने विचार दिए थे, बुक बाद में आई, इनके विचार पहले आ गए, और उन विचारों का इस्तेमाल करके दुनिया उस आर्थिक मंदी से बाहर निकल पाई। तो जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालने में दुनिया को अगर किसी का योगदान है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है JM कीन्स का। 1936 में इनकी किताब आई थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में किताब आई थी। इसके पहले 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, और जब रास्ता नहीं सूझ रहा था तो JM कीन्स ने अपने विचार देने शुरू किए, सरकार को सलाह देनी शुरू करी। उन्होंने कहा कि ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें एडम स्मिथ के द्वारा जो मार्केट फोर्सेस की बात करी गई है, इस मार्केट फोर्सेस की बात से बात में कुछ दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि जो मार्केट फोर्सेस या प्राइस मैकेनिज्म है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो है उसको तो सॉल्व करने में मदद करता है, लेकिन ये गरीबों का गला घोटता है। एडम स्मिथ का तो कहना ही था कि आप अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करिए, गरीब मरते हैं तो मरने दीजिए, है ना। उन्होंने कहा कि इससे गरीब लोगों का गला घोटा जा रहा है, और ये
सिस्टम जो है, इस सिस्टम से भले ही आपका उत्पादन बढ़ रहा हो, लेकिन उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट कम होता चला जा रहा है। उन्होंने इसको समझाया, इन्होंने इसको समझाया कि उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ प्रॉफिट रहा। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने और लागत कम करने के लिए लोग कम से कम मजदूर रख के उनसे अधिकतम काम करवाएंगे, और उनको क्या करेंगे, वेजेस भी कम देंगे, मजदूरी भी कम देंगे, है ना भाई। अगर हमको लागत कम करनी है और हम एक लेबर इंटेंसिव मार्केट में काम कर रहे हैं जहां पर मजदूरों के द्वारा ही सारा काम किया जा रहा है, तो हमारी लागत का एक बड़ा भाग मजदूरी में जा रहा होगा, जा रहा होगा कि नहीं जा बिल्कुल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे। हम कम से कम मजदूरों से काम करवाने की कोशिश करेंगे और उन मजदूरों को कम से कम वेजेस देने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप तो है नहीं, तो सरकार नहीं कह सकती कि ये तुम वेजेस कम क्यों दे रहे हो, कर सकती है क्या, हाँ नहीं कह सकती। नहीं सर। तो जब हम वेजेस कम देंगे और कम मजदूरों को रखेंगे, तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और दूसरी बात जो एम्प्लॉयड हैं उनके पास पैसा भी कम आ रहा है। तो और जो बड़ा तबका समाज का है वो इन्हीं का है। अब इनके पास जब आय क्या हो गई, कम हो गई, जब आय कम होगी तो जाहिर सी बात है डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। कम होगी। यहाँ पर डिमांड कम हो रही है, लेकिन हम उत्पादन बढ़ाते जा रहे हो, तो ये जो माल बन रहा है इसको खरीदेगा कौन, खरीदेगा कौन, क्योंकि जो खरीदने वाले ना हैं उनके पास तो पैसा ही नहीं है, या तो वो अनएम्प्लॉयड है, यस। या तो वो अनएम्प्लॉयड है, या तो उनको सैलरी ही इतनी दे रहे हो कि वो अपना भरण पोषण ही नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारे बनाए माल को खरीदेगा कौन। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, ये इसलिए नहीं आया था कि चीजों का उत्पादन नहीं हो रहा था, ये इसलिए आया था कि उत्पादन बहुत अधिक हो गया, खरीदने वाले नहीं थे। तो कीन्स ने कहा कि यहां पर इस चीज को अगर कंट्रोल कर लोगे तो तुम इस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। सबसे पहले ये प्योर कैपिटलिज्म से बाहर निकलो, और सरकार को चाहिए कि वो कुछ नीतियां बनाए और इनका रेगुलेशन करना शुरू करे, यानी कि सरकार को इन मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है वो तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी कैसे बाहर निकले। जैसे नहीं होता है कि किसी को कोई बीमारी है और बहुत तेज बुखार आ गया, तो बीमारी का इलाज तो चलता रहेगा, बुखार पहले उतारू, होता है ना। उन्होंने कहा कि ये जी बताओ अभी कैसे बाहर निकले, तो हम गलत में जा रहे हैं, कंट्रोल तो हम एस्टेब्लिश कर ही लेंगे, अभी जो मुसीबत आई उसको कैसे सॉल्व करें। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे कि ये जो लोग जिनके पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, उन्होंने कहा डिमांड बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ। सरकार ने कहा डिमांड कैसे बढ़ाएं, उन्होंने कहा कि लोगों को पैसा दो, लोगों के पास पैसा जाएगा, जब पैसा जाएगा तो वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे, चीजें खरीदना शुरू करेंगे तो अपने आप ये स्थिति क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। पहले तो उन्होंने कहा कि बढ़ाओ पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक व्यय बढ़ाओ, लोक व्यय बढ़ाएंगे तो सरकार के पास से पैसा निकलकर मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो लोगों के पास पहुंचेगा, लोगों के पास पहुंचेगा तो लोगों की अब डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। उन्होंने कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर रास्ते बताए जिससे कि जनता के पास पैसा बढ़े, है ना। जैसे लोग बेरोजगारी भत्ता शुरू कर देते हैं तो जनता के पास पैसा आ रहा है, तो वो लोग जो बेरोजगार बैठे हैं और पैसा ही नहीं खर्च करने के लिए, उनके पास भी 1,000 रुपये महीने का आएगा, तो वो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई ना कोई चीज खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। जब खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादित वस्तुएं जो पड़ी हुई है वो बिकना शुरू होंगी, और फिर उनके बिकने के बाद नई चीजों का उत्पादन शुरू होगा, और धीमे धीमे जो साइकिल रुक गया था वो साइकिल क्या हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब तरीके बताकर J.M. कीन्स ने जब कहा, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार के द्वारा बढ़ाया गया, फिस्कल जो डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल फाइनेंसिंग वगैरह है वो उपाय लेके आए गए, और उसके बाद फिर जो दुनिया थी वो इस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकली। लेकिन इसके बाद दुनिया एक चीज सीख गई, और वो सीख गई कि प्योर कैपिटलिज्म से हम उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये प्योर कैपिटलिज्म इस तरीके की सिचुएशंस को भी जन्म दे सकता है जहां पर ग्रेट डिप्रेशन दुनिया में आएगा और बार बार आता रहेगा। ये बात समझ में आई आपको?
तो अब यहाँ पर अब जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज थी, उन्होंने क्या करना शुरू किया गया, वहां पर प्राइवेट ओनरशिप के साथ साथ गवर्नमेंट का कंट्रोल भी स्टैब्लिश होना शुरू हो गया, प्राइवेट ओनरशिप के। तो जी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, अब वहां पर प्राइवेट ओनरशिप के साथ साथ दूसरा काम क्या शुरू हो गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल। अब मुझे बताइए प्राइवेट ओनरशिप किसका लक्षण है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, और गवर्नमेंट कंट्रोल सोशलिस्ट किसका लक्षण है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो ये अब क्या बन गई, एक अर्थ मिक्स कैपिटल मिक्स सोशलिस्ट मिक्स्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, हो गई बन गई कि नहीं बन गई। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में गवर्नमेंट कंट्रोल को ला के उनको मिक्स्ड इकोनॉमीज में कन्वर्ट करने का जो योगदान दिया जाता, किसके द्वारा दिया गया, JM जी कीन्स के द्वारा किया गया। और इस तरीके से जो कैपिटलिस्ट देश थे वो किस तरफ मूव कर गए, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर गए, टेक्नो है ना। लेकिन अभी जो सोशलिस्ट देश थे वो अपने सोशलिज्म पर ही इतरा रहे हैं। तो यहां पर भी कुछ समस्या, क्या कह रहे जितेंद्र जी। सर पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी वहां पर प्राइवेट ओनरशिप के साथ साथ गवर्नमेंट कंट्रोल भी एस्टैब्लिश हो गया। प्राइवेट ओनरशिप सर जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का लक्षण है, और गवर्नमेंट कंट्रोल किसका लक्षण है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो कौन सी इकोनॉमी अस्तित्व में आई, मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कैपिटलिस्ट देशों को मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का जो 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 श्रेय है वो किसके पास जाता है, जीएम केम्स के JM पास। कीन्स के पास जाता है। तो जो काम कैपिटलिस्ट कंट्रीज में JM कीन्स ने किया, वही काम सोशलिस्ट कंट्रीज के लिए किया प्रोफेसर ऑस्कर कार्बन लैंज ने। उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमीज को उनकी कमियां बताई और उन सोशलिस्ट इकोनॉमी को कहा कि भाई तुम भी कुछ प्राइवेट ओनरशिप लेके आओ अपने यहां। तो ऑस्कर लैंज के विचारों को आत्मसात करते हुए ग्रेट डिप्रेशन को ये भी देख चुके थे, और यहां पर भी कुछ कमियां उभर के सामने आने लगी थी क्योंकि विकास अवरुद्ध हो रहा था। वेलफेयर और विकास दोनों में बैलेंस जरूरी होना चाहिए, ये वेलफेयर पर केवल कंसंट्रेट कर रहे थे, विकास पर कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर ये भी लड़खड़ाना शुरू हुए। तो प्रोफेसर ऑस्कर लैंज ने इनको कुछ उपाय सुझाए और उन उपायों को इस्तेमाल करके सोशलिस्ट इकोनॉमीज भी अब क्या लेके आई अपने यहाँ, कुछ प्राइवेट ओनरशिप लेके आई, और ये भी किसकी तरफ मूव कर गई, मिक्स मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी की तरफ। ठीक है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर गई। अब मुझे एक चीज यहां पर देखिए, हमारे पास ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी है और ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन इन दोनों मिक्स्ड इकोनॉमीज में थोड़ा सा अंतर है। ये वाली जो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन इस मिक्स्ड इकोनॉमी का जो झुकाव होगा वो कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा है। है ना। और ये वाली मिक्स्ड जी इकोनॉमी का जो झुकाव होगा वो की तरफ ज्यादा होगा। सोशलिज्म की तरफ ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम देखें कि ये एक तराजू है, यहां पर कैपिटलिज्म बैठा है और यहां पर सोशलिज्म बैठा है, ये परफेक्ट बैलेंस है। और इस बिंदु से हम इधर जब मूव करेंगे और इस बिंदु से हम मूव करेंगे तो हम मिक्स्ड की तरफ चलते जाएंगे। तो इन वाली का जो है बैलेंस वो यहां पर कहीं होगा, मिक्स्ड होने के बाद भी सोशलिज्म की तरफ झुकाव ज्यादा होगा, और ए वाली कहीं यहां पर होंगी। यानी कि मिक्स्ड होने के बाद भी इनका झुकाव किस तरफ होगा, कैपिटलिज्म की तरफ कैपिटलिस्ट। ज्यादा होगा। समझ रहे मेरी बात को। यस हाँ, सर। मुझे बताइए भारत किस प्रकार की इकोनॉमी है, मिक्स
मिक्स है। समाजवादी की तरफ अभी तो ज्यादा सर जो झुका है वो कैपिटलिस्ट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, लेकिन 1991 से पहले सोशलिस्ट की तरफ ज्यादा हाँ झुका होता है, बिल्कुल। एलपीजी से पहले। ए बी और सी ये तीन पॉइंट हैं। बी परफेक्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले हम एक समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थे, है ना, क्योंकि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वो कैसे थे, समाजवादी थे, पहले, है सोशलिस्ट ना। तो उन्होंने जो इकोनॉमी की नींव रखी वो कुछ यहाँ पर सिचुएटेड थी, हमारा झुकाव सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था, लेकिन हमने देखा कि हम बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो 1991 में हमारे देश में लेके आया गया क्या, पीपीबी आर्थिक सुधार लेके आए गए, आर्थिक सुधार लेके आए गए जिनमें हमारे पास लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन जितना बढ़ेगा हम मूव करेंगे इधर से इधर की ओर, है कैपिटलिस्ट की तरफ। ना। तो जो आर्थिक सुधार है, मुझे बताइए, आर्थिक सुधारों से प्राइवेटाइजेशन बढ़ा या घटा? बड़ा बढ़ा। बड़ा है, बड़ा क्योंकि आर्थिक सुधारों में तीन चीजों में जो दो चीजें हैं वो दो चीजें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही इशारा कर रही हैं, एक उसका नाम ही प्राइवेटाइजेशन है और दूसरा लिबरलाइजेशन जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए था। तो अब हम 1991 के बाद तराजू के इस तरफ से कूद कर तराजू के इस तरफ आ गए हैं, तो अब हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड तो है लेकिन उसका झुकाव किस तरफ ज्यादा है, कैपिटलिज्म की तरफ। पूंजीवादी कैपिटलिस्ट ठीक है, क्लियर। तो जी। ये हमारे पास तीन प्रकार की इकोनॉमीज हो गई। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में उत्पादन के साधनों का नियंत्रण दोनों तरफ होता है, कुछ उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है और कुछ उत्पादन के साधनों का नियंत्रण निजी क्षेत्र में होता है। हम अपने देश को देखें, निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है, सरकारी क्षेत्र भी है, जहां पर निजी क्षेत्र को दखलंदाजी करने की अनुमति ही नहीं, जैसे रेलवे हो गया 1991 और उसके आसपास के पहले हम टेलीकम्युनिकेशन देख सकते हैं, केवल बीएसएनएल था। अब देखिए वहां पर प्राइवेटाइजेशन हो गया, बाकी लोग भी आ गए, है ना। तो यहाँ पर उत्पादन के साधनों पर दोनों का नियंत्रण होता है। मिश्रित इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं उनको सॉल्व मार्केट के द्वारा भी किया जाता है और सरकार के द्वारा भी किया जाता है। अधिकांश चीजों के दाम और उनका उत्पादन मार्केट पर डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ चीजें जो मूलभूत होती हैं उन चीजों का उत्पादन और उनका दाम कितना होगा ये सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो पेट्रोल का दाम कौन डिसाइड करता था, सरकार डिसाइड करती थी, इंडिया लेकिन बाद में उसको अब दे दिया गया कि वो पेट्रोलियम कंपनी खुद डिसाइड करेंगी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जहां पर सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण है, रेलवे वगैरह में। तो हमारे देश में मिश्रित इकोनॉमी है, दो बातें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है और जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी है उनका नियंत्रण, उनमें से कुछ को सरकार सॉल्व करती है, जो आवश्यक वस्तुएं होती है उनकी कीमत और उनका उत्पादन सरकार के नियंत्रण में होता है और बाकी सभी को मार्केट फोर्सेस के हवाले कर दिया जाता है कि जिस चीज की डिमांड हो उस पर बनाओ और मार्केट के हिसाब से दाम डिसाइड करके बेचो उसको। क्लियर। तो आज की डेट में लगभग दुनिया के सारे देश मिक्स्ड इकोनॉमी में है, कोई देश प्योर कैपिटलिस्ट और प्योर सोशलिस्ट नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होने के बाद किसी का झुकाव कैपिटलिस्ट की तरफ ज्यादा है, किसी का झुकाव सोशलिस्ट की तरफ ज्यादा है। परफेक्ट मिक्स्ड भी कहीं पर नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, ना यहाँ पर कोई है, ना यहाँ पर कोई है, ना यहाँ पर कोई है, सभी देश इस झूले के दोनों तरफ कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर बैठे हैं अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर। ठीक है, जैसी सरकार वैसा झुकाव, जैसी क्या बोल रहे हैं? सरकार वैसा झुकाव। हाँ बिल्कुल, जैसी जैसी सरकार वैसा झुकाव, जैसी देश की स्थिति वैसा झुकाव भी बोल सकते हैं। ये चीजें देश की अर्थव्यवस्था पर डिपेंडेंट करती है, देश को किस चीज की क्या जरूरत है उसके आधार पर। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम साल दो साल में चेंज करते रहें, ये लॉन्ग टर्म में चलती है।
ठीक है, जी इतना रखते हैं हम लोग आज। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक यस है, यस सर हाँ, जी सर इंटरेस्ट आ रहा है इकोनॉमिक्स में? ठीक सर है, सर चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक सर है, हाँ जी, सर हाँ बोलिए। अगर कम्युनिस्ट इकोनॉमी को अगर रिप्रेजेंट करना हो एक लाइन में तो कैसे करेंगे? कम्युनिस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करना हो एक लाइन में, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, और उत्पादन के सभी साधन सरकार के द्वारा ओन किए जाते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में समाज के द्वारा ओन किए जाते हैं, समाज का अधिकार होता है, सरकार केवल नियंत्रित करती है, जबकि कम्युनिस्ट में पूरा सरकार अपने हाथ में ले लेती है, ना निजी ना समाज, सब सरकार का। ठीक है सर हाँ जी, चलिए जी सर फिर मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर गुड नाइट नाइट, सर गुड गुड नाइट सर नाइट। गुड नाइट सर।